देख रहे हैं केवल सच। जिसका उदय होता है उसका अस्त होता है, और हमारे यहाँ बिहार का महापर्व छठ पर्व ये संदेश देता है, जिसका अस्त हुआ है उसका उदय हुआ। जी हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज और मैं हूँ जिला ब्यूरो संजय शर्मा। झाझा छठ पूजा पर काफी चाक चौबंद SDPO राजेश कुमार के नेतृत्व में और BDO रवि कुमार के नेतृत्व में काफी चाक और चौबंद प्रबंध थे, बिल्कुल सुचारू ढंग से सब छठ पूजा की गई। जहाँ तक कि श्रीमती विलासा शर्मा जिलाधिकारी ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा था किसी पटाखे की वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहिए और इस पर विशेष संज्ञान लेना चाहिए, छुटपुट घटनाएं हुई हैं। ऐसे में एक लड़की को पटाखा आंख में लगा और वो घायल हुई है, फिर भी जहाँ तक है छठ पूजा बिल्कुल संपन्न हुई है, बिल्कुल शांति तरीके से। देखिए मेरी खास रिपोर्ट झाझा छठ घाट से। उगते सूरज के साथ ही छठ महापर्व अब संपन्न होने वाला है। छठ पर्व पर तमाम आला पदाधिकारी जो झाझा में मौजूद है छठ घाट पर बैठे हुए हैं और बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से छठ पूजा का पर्व संपन्न होगा। सार्वजनिक छठ पूजा समिति आप तमाम छाया अस्ताचल सूर्य को अर्घ देकर लौटते हुए भक्तजन सब। जी क्या नाम है तुम्हारा? कुछ कहना चाह रहे थे आप? पुलिस छठ पूजा घाट पर तो पुलिस की व्यवस्था है नो डाउट, लेकिन सब जहां तहां बैठे हुए अपने मैंने फॉर्मेलिटी निभा रहे। अभी तुरंत एक घटना घटी है, पूजा पंडाल पर एक लड़का पटाखा चला दिया और पटाखा ऐसा घूम गया कि एक बच्ची को आंख में लग गए और उसको लेकर के अभी तो डॉक्टर के पास गया। तो ये सब चीज़ों पर भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए।